गर्लफ्रेंड के साथ रंग रलिया मनाने के लिए फ्लिपकार्ट कंपनी में की चोरी। फ्लिपकार्ट मैनेजर और डिलीवरी बॉय के साथ 15 मोबाइल हुए जब्त। ऑर्डर कैंसिल हुए, मोबाइल की करते थे चोरी। मुंबई एमएचबी पुलिस ने फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है, जो कि फ्लिपकार्ट कंपनी में रखे महंगे मोबाइल को चुरा कर बेचता था। उसी पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई के बाहर जाकर रंगरलिया मनाता था। मुंबई और गुजरात से अब तक 15 मोबाइल को जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत करीब 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने फ्लिपकार्ट मैनेजर प्रणय धवल और उसके साथी राजगोर और भूषण गांगन को मुंबई के अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया। यह आशिक मिजाज डिलीवरी बॉय मोबाइल बेचकर आपस में बांटकर माशुका के साथ क्लब में रंगरलिया मनाता था। गौर करने वाली बात है कि फ्लिपकार्ट कंपनी के मैनेजर ने एमएचबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि फ्लिपकार्ट कंपनी में मोबाइल का ऑर्डर कैंसिल होने पर जो मोबाइल वापस कंपनी में आता है उसकी लगातार चोरी हो रही है। अब तक दर्जनों मोबाइल गायब हो चुके हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद एमएचबी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई सुधीर कुडारकर के मार्गदर्शन में एपीआई सूर्या पवार, कांस्टेबल अर्जुन अहीर और पूरी टीम ने मिलकर जांच शुरू की। पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी की सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें मैनेजर चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। जांच में यह पता चला कि कंपनी का मैनेजर और डिलीवरी बॉय ही चोर है। एमएचबी पुलिस स्टेशन में 1 नवंबर 2022 को फिरियादी नामे अभिषेक साहिल, इन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया था। वो एफआईआर में उन्हें उनकी जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसमें से बहुत सारे मोबाइल चोरी हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक एफआईआर दाखिल किया था। हमने जब भी उनके कंपनी के सीसी कैमरे फुटेज जब भी देखे, तभी उसमें वहाँ के ही जो डिलीवरी बॉय करके काम कर रहे हैं उन्होंने वो चोरी की है। हाँ, ये 3 जो आरोपी हमने अरेस्ट किया है उनका नाम है प्रणव जवल, भूषण गंगन और हितेंद्र राजगोर। इन्होंने ये जो 15 मोबाइल चोरी की है उसकी कॉस्ट है नियर अबाउट 3,71,000। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये बोला था कि हमें वो मजा करना था गर्लफ्रेंड के साथ और उसी कारण वो लोग ने चोरी की है। इन्हें जो 15 मोबाइल हमने जो रिकवर किया उसमें से 11 मोबाइल हमने जामनगर गुजरात से किए हैं, बाकी के 4 मोबाइल हमने कांदेवली गोराई और दहीसर से किए हैं, और ये आरोपी ये कांदेवली और दहीसर के बीच में ही रहने वाले हैं। अधिकारी ने बताया कि कंपनी के मैनेजर सागर राजगौर की मिली भगत से ऑर्डर कैंसिल हुआ, मोबाइल को चुरा कर उसे बाहर सस्ते दामों में बेचने का काम किया जाता था। उसे मिले पैसों से तीनों साथी सागर राजगौर, भूषण गंगन और प्रणय धवल मिलकर अपनी अपनी माशुका के साथ रंगरलिया मनाते थे। फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी के बाद अब उनके पास से 15 मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। जांच अधिकारी के मुताबिक ये लोग काफी लंबे समय से ऐसे मोबाइल को चुराकर मुंबई और गुजरात के जामताड़ा में बेचने का काम करते थे। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट।